नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपने IT कर रखी है और आपके करियर को लेकर के चिंतित हो, यानी कि IT करने के बाद में आपको क्या करना चाहिए, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर टोटल मैं आपको 7 टॉपिक बताने वाला हूँ। IT करने के बाद में कौन कौन से 7 ऑप्शन आपके पास में रहते हैं और प्रत्येक ऑप्शन को मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक आराम से जरूर देखना। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद में कोई भी आपको इस टॉपिक पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे IT और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए जॉब और करियर गाइडेंस से संबंधित वीडियोस में यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। और गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो टेक्निकल जॉब ज्ञान का एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वहां पे आपके MCQ प्रैक्टिस सेट या लाइव क्लासेस वगैरह चलती है, तो उसको आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। दोस्तों, IT करने के बाद में आपके पास में कौन कौन से 7 ऑप्शन है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, तो उनके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो गया, उसके बाद में CTI या फिर CITS भी जिसको बोलते हैं, उसके बाद अप्रेंटिसशिप का कोर्स हो गया, उसके बाद में आपका प्राइवेट जॉब हो गया, और उसके बाद में भी प्राइवेट जॉब के अंदर अरब कंट्री के अंदर जॉब हो गया, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। यहाँ के जो लोग हैं अरब कंट्री के अंदर जॉब करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो वहां की जॉब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब है, किसको प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस हिसाब से करनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले थे। इन सभी चीजों को आज के वीडियो के अंदर मैं अच्छे तरीके से कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन दोस्तों बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बारे में। देखिए दोस्तों, IT अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो IT करने के बाद में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कंप्लीट करने में आपको लगेगा 2 साल का टाइम। वैसे 10th करने के बाद में अगर डिप्लोमा करते हो तो आपको 3 साल का टाइम लगता है, लेकिन 2 साल की IT जब आप कर लेते हो तो उसके बाद में 2 साल के अंदर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। यानी कि IT करने के बाद में डिप्लोमा के अंदर आपको सेकेंड ईयर के अंदर एडमिशन मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखना, IT अगर आपने कोई सा 2 साल का IT का कोर्स कर रखा है तभी आपको डिप्लोमा सेकेंड ईयर के अंदर कोर्स आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपने IT 6 महीने की या फिर 12 महीने की कर रखी है तो आपको डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर से ही एडमिशन लेना पड़ेगा और आपको 3 साल करनी पड़ेगी। यानी कि 2 साल की IT अगर आपने कर रखी है तो 2 साल का आपका IT का कोर्स हो गया और 2 साल के अंदर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 4 साल के अंदर आपको 2 सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। डिप्लोमा के फायदे क्या क्या है, देखिए दोस्तों, डिप्लोमा अगर आपने कर रखा होगा, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाते हो या फिर प्राइवेट जॉब के अंदर जाते हो, तो IT के बाद में डिप्लोमा आप वहां पे जॉब के साथ में रेगुलर नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि डिस्टेंस से जॉब के साथ में आपको डिप्लोमा करने का ऑफर दे। इसलिए फायदा ये रहता है कि जॉब से पहले अगर आप डिप्लोमा कर लेते हो तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही जॉब के अंदर आपको प्रमोशन का फायदा मिल जाएगा। उसके बाद में एक खास बात मैं बताता हूँ, जैसे कि UP वाला अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो आपको डिप्लोमा ही करना चाहिए IT के बाद में, अगर खास तौर से आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, क्योंकि यूपी के अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए एक तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी बहुत आती है और यूपी बिजली बोर्ड के अंदर जिन्होंने केवल डिप्लोमा कर रखा होता है उन्हीं को जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए योग्य माना जाता है। यानी कि BBTEC वाले बच्चे होते हैं उनको भी वहां पे JEE के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेट आपका पंजाब हो गया, वहां पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी काफी ज्यादा आती है, डिप्लोमा वाले उसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप पंजाब से हो तब भी आप डिप्लोमा कर सकते हो, क्योंकि अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाते, यानी कि क्योंकि 10th के अंदर पंजाबी मांग रखी होती है, तो वहां वाले बच्चों को वहां पे ज्यादा फायदा मिलता है और पंजाब के अंदर JEE की वैकेंसी बिजली बोर्ड के अंदर काफी आती है। तो पंजाब से हो तब भी आप डिप्लोमा कर सकते हो, लेकिन राजस्थान से और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो आपको डिप्लोमा करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर टेक्निकल हेल्पर के अंदर केवल IT वाले अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी होती है उसके अंदर केवल BBTEC वाले आवेदन कर पाते हैं। तो डिप्लोमा आपका 20 का रह जाता है, वो बिजली बोर्ड के अंदर किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर पाता है। इसलिए हालांकि राजस्थान के अंदर जैसे कि आपका पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा, इसका भविष्य काफी उज्जवल है, प्राइवेट जॉब देखना चाहते हो भविष्य के अंदर तो आप डिप्लोमा कर सकते हो अगर आप राजस्थान से हो तो भी। हायर एजुकेशन BTEC भी अगर आप करना चाहते हो तो भी आप डिप्लोमा कर सकते हो। ये तो बात हो गई डिप्लोमा की। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास में होता है CTI का, या फिर जिसको CITS भी बोलते हैं। ये क्या चीज होती है, IT कॉलेज के अंदर इंस्ट्रक्टर बनने के लिए ये कोर्स होता है वो
करते हैं, खास तौर से इसकी गवर्नमेंट कॉलेज ही होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेज इसके ज़्यादा है नहीं, 5-7 कॉलेज होंगे, लेकिन लगभग सभी कॉलेज हैं जो CTE के गवर्नमेंट कॉलेज है। और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको इंस्ट्रक्टर बनना है तो आप CTE का कोर्स कर सकते हो। लेकिन CTE के साथ में जो प्रॉब्लम है वो ये कि एक तो इसकी वैकेंसी काफी कम आती है, और उसके बाद में डिप्लोमा और BTEC वाले बच्चे जिनके पास में एक्सपीरियंस है वो भी उन पोस्टों के लिए आवेदन कर देते हैं, तो CTE वालों को वहां पे थोड़ा सा मौका कम मिलता है। हालांकि ऐसा अनुमान है कि आने वाले टाइम में CTE का वहां पे एक कोटा यानी कि एक रिजर्वेशन रख दिया जाएगा, जिससे कि CTE वालों को काफी फायदा मिलने वाला है। IT करने के बाद में अगर आप CTE करना चाहते हो तो 1 साल का टाइम आपको CTE को देना होता है। खास तौर से जो गर्ल्स होती है उनको आज के समय में CTE का कोर्स है IT के बाद में जरूर करना चाहिए, क्योंकि IT एक तो गर्ल्स बहुत कम करती है, उसके बाद में CTE और करना ये मतलब लड़कियों के लिए, काफी सारे लड़कियों के लिए संभव नहीं होता है। तो IT इतना आपने कर रही है, गर्ल हो और CTE कर सकते हो तो आपको CTE का कोर्स जरूर करना चाहिए। इससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर इंस्ट्रक्टर बनने के काफी ज्यादा चांस रहेंगे, ये आपको फायदा रहेगा, क्योंकि गर्ल्स के आवेदन काफी कम आते हैं। और CTE पे डिटेल में वीडियो मैंने एक अलग से बना रखा है, वो वीडियो देख लेना, उसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, सारी चीजें अच्छे तरीके से उस वीडियो के अंदर CTE के बारे में आपको समझ में आ जाएगी। ना उसके बाद में अगला जो अपना टॉपिक है अप्रेंटिसशिप का, अप्रेंटिसशिप किसे करने चाहिए, कहाँ से करने चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो भी करवाते हैं, प्राइवेट कंपनियां वो भी करवाती है, लेकिन आपको अप्रेंटिसशिप हमेशा आपको प्रियोरिटी देनी चाहिए, आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही आप अप्रेंटिसशिप करो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप करने का फायदा ये रहता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जब उनकी परमानेंट वैकेंसी आती है ना, तो वहां पे जिन्होंने उस डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप कर रखी होती है उन्हीं को वो मतलब आवेदन करने का अवसर देते हैं। रेलवे वगैरह के अंदर 20% कोटा भी है जब उनकी वैकेंसी आती है परमानेंट वाली, तो जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखी होती है उनको 20% वहां पे कोटा देते हैं, तो उसकी एक अलग ही मेरिट बनती है, बहुत कम मेरिट उसकी रहती है, ये फायदा मिलता है। तीसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जब आप अप्रेंटिसशिप करोगे तो वहां पे काम बहुत कम रहेगा, काम कर रहेगा, जिसकी वजह से आप साथ में जो अपना गवर्नमेंट एग्जाम है उनकी भी तैयारी कर सकोगे, और 8-9 हज़ार रुपये आपको खर्चा मिलेगा, उससे आप अपनी पढ़ाई वगैरह का जो भी खर्चा आप चला सकोगे, घर पे भी आपको घर वालों का प्रेशर भी आपको नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन यही अगर आप प्राइवेट कंपनी से अप्रेंटिसशिप करोगे तो 8 घंटे की ड्यूटी इतनी आपकी खतरनाक होगी कि किताब खोलने का आपका मन भी नहीं करेगा, और जैसे ही आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होगी आपको सर्टिफिकेट देके घर भेज देंगे। तो मेरे हिसाब से आप अप्रेंटिसशिप कर तो सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही आपको अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए, प्राइवेट डिपार्टमेंट से आपको बच के रहना चाहिए। उसके बाद में अगली जो अपनी चीज है वो है प्राइवेट जॉब के बारे में, प्राइवेट जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार के बच्चों को करनी चाहिए, है ना, तो उसके बारे में बात कर लेते थे कि आपके घर का बैकग्राउंड मतलब इतना खराब है, सही नहीं है, जो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप करना का भी अवसर नहीं मिल रहा, तो आप प्राइवेट जॉब के अंदर जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना आपकी ट्रेड से संबंधित जिन कंपनियों के पास में काम है वहीं पर आपको प्राइवेट जॉब के अंदर जाना चाहिए। आपने इलेक्ट्रिशियन में IT कर रखी है, आप जा रहे हो होंडा कंपनी के, तो वो सही नहीं है, क्योंकि होंडा का जो एक्सपीरियंस है या फिर मान लीजिए कि आपके ट्रेड के अलावा दूसरी कंपनियों का जो एक्सपीरियंस है वो आपको उतना फायदा नहीं देगा, है ना। तो आपके ट्रेड से संबंधित जिस कंपनी के पास में काम है वहीं पे आपको जाना चाहिए, चाहे कंपनी का नाम ज्यादा बड़ा नहीं हो, काम है उसकी मतलब वैल्यू है, तो छोटी कंपनी में भी जॉब कर सकते हो, आपके ट्रेड से संबंधित काम हो वहीं पर आपको जाना चाहिए। उसके बाद में प्राइवेट कम जो कॉलेज है वहाँ पे जो रोजगार मेले लगते हैं उनसे आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, वो क्या कि एडमिशन के लालच में इस प्रकार का विज्ञापन करते हैं, उनका रोजगार मेलों का रिजल्ट भी नहीं आता है। अरे तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर IT वाले बच्चों के लिए जो रोजगार मेले लगते हैं उनको आप अटेंड कर सकते हो, लेकिन मेले को अटेंड करने से पहले आपको ध्यान रखना कौन सी कंपनी आ रही है वो आपको अप्रेंटिसशिप के लिए लेके जा रही है या फिर जॉब के लिए लेके जा रही है। अगर आप वहां पे जाते हो अप्रेंटिसशिप के लिए कंपनी आई है तो आप वहां से आपको वापिस आ जाना चाहिए, वहां पे आपको नहीं जाना चाहिए, पहले ट्राई करनी चाहिए अप्रेंटिसशिप के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। और आप प्राइवेट जॉब के अंदर जा ही रहे हो तो आपको तभी जाना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका घर का बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना आपको गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हो, ना आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, और डिप्लोमा भी आपको आप नहीं कर सकते, हायर एजुकेशन BTEC वगैरह आपको नहीं करना है, तो आपके पास में प्राइवेट जॉब का ही ऑप्शन रहता है, तो ये आप कर सकते हो। प्राइवेट जॉब के अंदर लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये के बीच में आपके पास में स्टार्टिंग सैलरी रहती है, लेकिन अच्छी कंपनी के अंदर जब आप ऑन रोल हो जाते हो, 4-5 साल की सर्विस हो जाती है, तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि प्राइवेट कंपनियां ऑन रोल करती ही नहीं है, 11-12 महीने के बाद में आपको घर भेज देगी, फिर 6 महीने के बाद दोबारा बुलाएगी, इस प्रकार से ये कंपनियां करती है
है ना। तो ये मेरे हिसाब से आपको प्राइवेट जॉब के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आता है आपका आईटी करने के बाद में अरब कंट्री के अंदर प्राइवेट जॉब करना। इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये जो एशिया के देश है, इनके बच्चे वो अरब कंट्री के अंदर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां की जो करेंसी है उनकी थोड़ी बड़ी है। तो इंडिया के अंदर इसकी सैलरी वो थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाती है, सैलरी ज्यादा हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, अरब कंट्री के अंदर आपकी आईटी का जो सर्टिफिकेट है, इससे भी ज्यादा वैल्यू आपके काम की। तो आपको अरब कंट्री के अंदर तभी जाना चाहिए जब आपके पास में आईटी और 2-3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है, आपको अपने ट्रेड का अच्छा काम आता है, अच्छा नॉलेज है, तो आप अरब कंट्री के अंदर जा सकते हो। और अच्छा एक्सपीरियंस है, काम का नॉलेज है, आईटी आपने कर रखी है, तो वहां पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी 40 से 50 हजार रुपए तक आपको वहां पे मिल जाएगी। मैं मानता हूँ कि वहां पे इंडिया से ज्यादा टेक्निकल स्टूडेंट की डिमांड है, आगे वहां पे ग्रोथ अच्छी है, प्रमोशन अच्छी है, सैलरी अच्छी है, सब चीजें अच्छी है, लेकिन काम की वैल्यू है। यहाँ से एक्सपीरियंस ले लीजिए, एक्सपीरियंस लेने के बाद में आपको वहां पे जाना चाहिए। फ्रेशर्स आपको वहां पे नहीं जाना है, वहां पे आपको ज्यादा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उसके बाद अपना अंतिम टॉपिक आता है गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किन को करनी चाहिए, किस हिसाब से करनी चाहिए, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए, आपके घर का बैकग्राउंड इस टाइप का है कि आप कम से कम 2 साल का टाइम है वो तैयारी करने के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको किसी भी हालात के अंदर इसकी तैयारी 2 साल तक गवर्नमेंट जॉब की जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा अनुमान है, इतना एक्सपीरियंस है कि 2 साल तक अगर आप अपने ट्रेड से संबंधित ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो 2 साल के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी, है ना। तो आपके ट्रेड से संबंधित कोई वैकेंसी आती है उसी की आपको तैयारी करनी है। ऐसे नहीं कि बीच में एसएससी की करने लगे, बीच में आप रेलवे की करने लगे, बीच में कोई पुलिस की करने लगे, पटवारी की करने लगे, ये चीजें सही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आपका 2 साल का टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा। आपके ट्रेड से संबंधित तैयारी करिए, उसके बाद में आज के टाइम में कंपटीशन ऐसा है, इतना ज्यादा है कि मुझे, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आईटी करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करना चाहते हो तो 4 से 6 महीने का आपको किसी अच्छे टीचर से आपको कोचिंग जरूर ले लेनी चाहिए। थ्योरी वहां से 4 से 6 महीने आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जो चीजें आपने पुरानी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ रखी है, वो चीजें भी आपकी, मतलब कम टाइम के अंदर सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर रिस्टोर हो जाएगी, जो कि आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि आज के टाइम में जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज के अंदर जितना पढ़ाई करते हैं, जितना टीचर वहां पे पढ़ाते हैं, आज के समय में इतना कंपटीशन है कि वो चीजें पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 4 से 6 महीने अच्छे टीचर से आपको एक बार कोचिंग जरूर ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मेरी क्या ओपिनियन है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मेरी ओपिनियन ये है कि 2 साल तक अगर टाइम कंपटीशन एग्जाम को दे सकते हो तो आपको इसकी तैयारी जरूर करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती है तो आपको नॉलेज आपके ट्रेड का अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको 2 साल की तैयारी स्टार्टिंग में जरूर करनी चाहिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपको सबसे अच्छी कौन सी चीज लगी, कहाँ किस में आप जाना चाहते हो, इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।